इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें डेली न्यूज को, घंटा दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक। जिनके पास है पैन कार्ड उनके लिए आई जरूरी सूचना। पैन कार्ड रखने वाले ये खबर जरूर देख लें। इनकम टैक्स अदा करने के लिए पैन कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। इसके अलावा अब सरकार के अन्य सरकारी कार्यों में अनिवार्य कर दिया है। पैन कार्ड नागरिकता की पहचान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पैन के माध्यम से लोग ITR फाइल करते हैं और इसके साथ साथ सभी पैन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना आई है। ऐसे में जिन लोगों के पास कार्ड के लिए खबर जरूर देख लें। हाल ही में सरकार ने पैन कार्ड के धारकों के लिए सूचना जारी की है, जिसमें तहत पैन कार्ड के आधार पर लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है, जिसके अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 रखी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि आप लोग पैन कार्ड के आधार कार्ड से लिंक करा लें, करते ही आपको पैन कार्ड इनकम टैक्स एक्ट धारा 139(a) के तहत इनवैलिड माना जाएगा। गौरतलब ये है कि पैन कार्ड के माध्यम से ना केवल बैंक खाते या फिर कोई अन्य बल्कि इसके माध्यम से ITR फाइल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी अपना पैन कार्ड आधार लिंक से नहीं है तो 31 मार्च 2020 के अंदर अपनी परेशानी हो सकती है, क्योंकि पैन के इनवैलिड होने का आप ITR फाइल नहीं कर सकते, जिसके आपके चलते टैक्स रिफंड रुक सकता है। पैन के आधार से लिंक करने के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च रखी गई है। अगर हम वीडियो पिछली हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।